अगर आप पेटीएम मनी में अपना डीमैट अकाउंट बनाना चाहते हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि पेटीएम मनी के जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो मार्केट में दूसरे ब्रोकर से ज़्यादा हैं या कम है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पेटीएम मनी के सारे ब्रोकरेज चार्जेस को डिटेल से समझाने वाला हूँ। जहाँ पर हम डिलीवरी के ब्रोकरेज चार्जेस, इंट्राडे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के चार्जेस को तो जानेंगे ही, इसके अलावा भी अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट मेंटेनेंस और भी दूसरे छोटे मोटे अलग अलग चार्जेस किस टाइम पे आपके ऊपर अप्लाई होते रहते हैं, कुछ हो सकता है आप इन चार्जेस को हिडन चार्जेस भी मान करके चलते हो, ये सारे चार्जेस को मैं आज आपको क्लियरली समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में लगातार बने रहिए गाइज। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो गाइज यहाँ पर पेटीएम मनी ने अपने चार्जेस में कुछ चेंज भी किया है जो आपके लिए जानना जरूरी है, इसीलिए मैं ये लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। इससे पहले भी मैंने कुछ पेटीएम मनी के ब्रोकरेज चार्जेस के ऊपर वीडियो बना रखे हैं, ब्रोकरेज कैलकुलेटर के ऊपर भी मैंने कुछ वीडियोस बना रखे हैं। मैं अगेन आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी इन्होंने चार्जेस को चेंज करने के बाद ब्रोकरेज कैलकुलेटर इनेबल नहीं किया है, इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो गाइस चलते सीधे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको इनके सारे चार्जेस को डिटेल से समझाता हूं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर पेटीएम मनी में अकाउंट ओपनिंग के लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। बहुत पहले लास्ट ब्रोकरेज चार्जेस में अपडेट आने से पहले ये लोग अकाउंट ओपनिंग के नाम पर डिजिटल केवाईसी कहकर के एक फीस लेते थे, लेकिन पिछले अपडेट आने पर उन्होंने डिजिटल केवाईसी फीस को भी जीरो कर दिया था। तो लगभग साल भर से अकाउंट ओपनिंग ऑलरेडी फ्री चल रही थी, अभी भी अकाउंट ओपनिंग फ्री है, लेकिन जो चीज उन्होंने अभी रिसेंटली फ्री करी है वो क्या है? तो देखिए आप यहां पर मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको यहां पर मंथली प्लेटफॉर्म फी के नाम से एक चार्ज दिखाई दे रहा होगा जो कि 30 रुपये पर मंथ यहां पर अभी इन्होंने वेबसाइट पर शो कर रखा है, लेकिन लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है और उनका जो ये मंथली प्लेटफॉर्म फी है 30 रुपये पर मंथ का, जिसे एएमसी ही कह सकते हैं आप, ये एएमसी भी अब जीरो हो गई है पहले एक साल के लिए। बीच में ये लोग क्या कर रहे थे, ऑफर दे रहे थे कि फर्स्ट मंथ के लिए आपका जो प्लेटफॉर्म फी है वो जीरो कर दिया जाएगा, तो फाइनली इन्हें एक्सपेरिमेंट करके ये पता चला कि एएमसी जो है वो साल भर के लिए इनको जीरो कर देनी चाहिए। तो अभी फिलहाल आपको यहां पर फर्स्ट ईयर के लिए कंप्लीट एएमसी फ्री मिलने वाली है, लेकिन इसको कॉम्पनसेट करने के लिए उन्होंने एक चार्ज बढ़ाया भी है जो भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको अदर चार्जेस के बारे में यहां पर बता देता हूं। देखिए यहां पर जब आप पैसा ऐड करते हैं तो सबसे पहले पेमेंट गेटवे चार्जेस लगते हैं, यानी कि 10 रुपया प्लस जीएसटी का पेमेंट गेटवे चार्ज लगता है जब आप पैसा ऐड करते हैं। ऐसा तब लगता है जब आप नेट बैंकिंग के थ्रू पैसा ऐड करते हैं। उसके अलावा अगर आप यूपीआई के थ्रू पैसा ऐड करते हैं तो कोई भी आपको पेमेंट गेटवे फीस देने की जरूरत नहीं है, 0 रुपये में आपका पैसा यूपीआई के थ्रू ऐड हो जाता है। इसके अलावा इंटरेस्ट ओवरड्यू चार्जेस, देखिए ये एक हिडन चार्ज हो सकता है जिसे आप समझ में नहीं आता, जो आप लोगों को आप लोग ध्यान नहीं देते हैं जनरली। तो इसमें क्या होता है कि 1.5% पर मंथ का आपके ऊपर चार्ज लगता है अगर आपका अकाउंट बैलेंस जो है वो नेगेटिव में चला जाता है। नेगेटिव जाने के दो तीन रीजंस होते हैं। जनरली मार्जिन अगर आप लेकर के ट्रेड करते हैं और मार्जिन को आप रिपे नहीं करते तो उसकी वजह से आपका अकाउंट बैलेंस नेगेटिव हो जाता है और उसके ऊपर आपको जो 1.5% पर मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि आपका अमाउंट कितना है। अगर आपका मार्जिन का लिया हुआ अमाउंट जो आपने रिपे नहीं किया जिसकी वजह से अकाउंट बैलेंस नेगेटिव में है, अगर वो अमाउंट काफी ज्यादा था तो ये जो इंटरेस्ट है ये भी एक्चुअली काफी ज्यादा आपके अमाउंट को बढ़ा देता है। तो ये आपके लिए यहां पर एक देखने की चीज है। इसके अलावा फिजिकल स्टेटमेंट कुरियर, यानी कि अगर आप आपके डीमैट अकाउंट की कोई भी स्टेटमेंट फिजिकली मंगाना चाहते हैं कुरियर के थ्रू तो 300 रुपये का चार्ज यहां पर लगता है। मंथली प्लेटफॉर्म फी और डिजिटल केवाईसी फी अब जीरो है, पहले साल के लिए आपको कोई एएमसी पे नहीं करनी है। इसके अलावा यहां पर आईपीओ एप्लीकेशन जो है उसके लिए वो आपको पहले से ही फ्री मिल रही है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आईपीओ लगा सकते हैं। कॉल एंड ट्रेड का चार्ज, अगर आप कॉल करके ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप 100 रुपये का यहां पर आपको चार्ज देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप सीएमएल में आप कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं क्लाइंट मास्टर लेजर में तो आपको 25 रुपीज का ये चार्ज पे करना पड़ता है। इसके अलावा अब यहां पर जो है आपको एएमसी जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए जीरो हो गई है। यहां पर आप देख सकते हैं डीपी चार्जेस है, रीमैट डीमैट चार्जेस का मतलब है अगर आप आपके डीमैट शेयर्स को, डीमैट जो शेयर्स है अगर आप उनको पेपर फॉर्म में रीमटेरियलाइज करना चाहते हैं तो वो है यहां पर रीमैट चार्जेस 250 रुपए। डीमैट चार्जेस मतलब आपके पेपर में कोई स्टॉक है, पेपर की फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट है आपके पास और उसे आप डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 250 रुपए पर 100 शेयर के ऊपर ये चार्ज लगता है। इसके अलावा मार्जिन प्लेज और अनप्लेज करने के लिए 15 रुपये पर ट्रांजेक्शन का चार्ज लगता है। और इसके अलावा ऑफ मार्केट ट्रांसफर्स फ्रॉम डीमैट अकाउंट से अगर आप कोई ट्रांसफर करते हैं तो 10 रुपये पर ट्रांसफर का चार्ज यहां पर लगता है। अब बात करते हैं गाइज हम जनरल यहां पर ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। तो गाइज देखिए ब्रोकरेज चार्जेस में यहां पर 2.5% ऑफ टर्नओवर अप टू 20 रुपीज लगने वाला है डिलीवरी के केस में। तो डिलीवरी में क्या है, अगर आप डिलीवरी में स्टॉक्स को खरीदते हैं तो उस केस में आपको यहां पर आपका जो भी ट्रांजेक्शन अमाउंट होता है उसके ऊपर 2.5% की रेट से ब्रोकरेज कैलकुलेट किया जाएगा।
अगर वो 2.5% ब्रोकरेज जो है वो 20 रुपये से कम आता है तो वो जो एक्चुअल अमाउंट हुआ ना वो लगेगा। और अगर आपका ब्रोकरेज जो 2.5% की रेट से कैलकुलेट हुआ आपके टर्नओवर पर वो अगर 20 रुपये से ज़्यादा आता है तो आपका जो ब्रोकरेज है वो 20 रुपये ही बनेगा एक साइड का, बाय साइड या सेल साइड। तो बाय साइड का 20 और सेल साइड का 20 मिला करके आपका जो पूरा ट्रांजेक्शन का जो ब्रोकरेज होता है वो 40 रुपीज होता है। अब यहाँ पर पहले जो पेटीएम मनी ले रहा था वो 15 रुपये ले रहा था डिलीवरी में। इसके अलावा फीचर एंड ऑप्शंस का भी आपको बता देता हूँ, बट यहाँ पर जो अपडेट है मेन वो यही है कि आपके जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं 15 रुपये से बढ़ा करके 20 रुपये कर दिए गए हैं। इसके अलावा एक्सचेंज टर्नओवर, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ये सब चार्जेस भी लगते हैं गाइस। जो बिगिनर्स हैं उनको शायद जनरली ये चीज़ें पता नहीं होती है, ये सारे चार्जेस हर ब्रोकर आपसे लेता है, हर जगह आपको ये चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इनफैक्ट जो जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स भी हैं वहाँ पर भी ये चार्जेस लगते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखिए जो ब्रोकरेज होता है ब्रोकरेज का अमाउंट एक्चुअली में बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, 10-20 रुपये लगते हैं। अगर आप ये चीज़ देखिए यहाँ पर मैक्सिमम ब्रोकरेज तो 20 रुपये ही रहने वाला है। आप चाहे 1 लाख की क्वांटिटी में शेयर्स को खरीदें, चाहे आप 10 लाख की क्वांटिटी में खरीदें, आपका जो टर्नओवर अगर 10 लाख रुपये का भी है डिलीवरी में अगर आप ले रहे हो तो आपको ब्रोकरेज 20 रुपये ही देना है वन साइड का। और लेकिन आपके जो गवर्नमेंट चार्जेज हैं ये चार्जेस देखिए आप एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस ये परसेंट बेस में होते हैं, सारे परसेंट बेस में, तो ये अमाउंट जो है वो बढ़ता चला जाता है लेकिन आपका ब्रोकरेज तो है वो फ्लैट रहता है। तो ब्रोकरेज का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट होता ही नहीं है गाइस। इसके अलावा अब मैं यहाँ पर आपको एफएनओ के चार्जेस भी बता देता हूँ, इंट्राडे के चार्जेस भी बता देता हूँ। उससे पहले गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको ज़िरोधा के थ्रू आईपीओ में कैसे अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर डीमैट डाइव पर आ सकते हैं और डीमैट डाइव के कॉर्पोरेट सेक्शन में आप आ सकते हैं, जहाँ पर आपको कई सारे आर्टिकल्स मिल जाते हैं आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। अगर कोई स्टॉक्स में डिविडेंड आ रहा है उसकी अनाउंसमेंट के बारे में, बोनस अनाउंसमेंट के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। टॉप 15 डिविडेंड स्टॉक्स इन इंडिया जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड दे सकते हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डीमैट डाइव पर अगर आपकी डीमैट अकाउंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है आपको उनके आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिनको आप पढ़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जरूर आप डीमैट डाइव को विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस हमारे जो इंट्राडे चार्जेस हैं, पेटीएम मनी के अंदर जो इंट्राडे चार्जेस लगने वाले हैं वो पहले 15 रुपये लगते थे, 0.05% या 15 रुपये जो भी इनमें से लोअर होगा वो चार्ज लगता था। अब ये 15 रुपये से बढ़ा करके 20 रुपये कर दिया गया है। कहने का मतलब अगर आप इंट्राडे में कोई ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पर आपके ब्रोकरेज को पहले कैलकुलेट किया जाएगा 0.05% की रेट से। मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर लेकर आके आऊँगा, अभी इनका ब्रोकरेज कैलकुलेटर एक्टिव नहीं हुआ है, तो जैसे इनका ब्रोकरेज कैलकुलेटर एक्टिव हो जाएगा नए चार्जेस के साथ में मैं आपको उसके ऊपर भी एक्सप्लेन करूँगा। आप अगर जानना चाहते हैं तो आप कैलकुलेटर लिख सकते हैं या कमेंट्स में सिंपल CAL भी आप लिख सकते हैं। अगर आप ब्रोकरेज कैलकुलेटर के थ्रू चार्जेस को समझना चाहते हैं तो CAL आप लिख दीजिएगा, मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो लेकर के आऊंगा। और यहां पर अब क्या होने वाला है, 0.05% की रेट से पहले ब्रोकरेज चार्जेस को कैलकुलेट किया जाएगा। अगर वो 0.05% की रेट से जो कैलकुलेशन होकर के ब्रोकरेज बना वो 20 रुपीज से कम है तो वो जो परसेंट बेस वाला है वही लगेगा, और अगर 20 रुपीज से ज्यादा बन गया ये परसेंट बेस वाला तो 20 रुपीज ही लगेगा वन साइड में। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई है। अब यहां पर फ्यूचर्स में एक चेंज आया है, देखिए फ्यूचर्स में जो इन्होंने यहां पर लिख रखा है मेरे को थोड़ा सा एक्चुअली डाउट भी लग रहा है इस पे। ये इन्होंने लिखा है 0.01 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, लेकिन शायद ये 0.01% होना चाहिए क्योंकि इन्होंने 0.01 रुपी फ्लैट कर दिया है पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पर। और ऑप्शंस में ये लोग जो है वो 20 रुपी फ्लैट पहले से ले रहे थे, पहले 15 रुपी फ्लैट ले रहे थे लेकिन फ्लैट ही ले रहे थे पहले से भी, और अभी इन्होंने 20 रुपी फ्लैट कर दिया है। तो ये गाइस अब ये जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं आपके ऊपर अप्लाई होने वाले हैं। तो गाइज ये जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं अप्लाई होने वाले हैं पेटीएम मनी में। अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पेटीएम मनी में आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। पेटीएम मनी में काफ़ी आपको एडवांस फीचर्स भी मिल जाते हैं, मैंने इसके ऊपर कई सारी वीडियोस कर रखी है, आप जाकर के चैनल पर वॉच भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कहीं पर डीमैट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, फ्री डिलीवरी अगर आपको चाहिए तो आप ज़िरोधा या एंजल वन में जा सकते हैं, और अगर आपको स्पेशलाइज ट्रेडिंग के लिए जाना है तो अपस्टॉक्स में भी आप जा सकते हैं। पेटीएम मनी भी एक अच्छा डीमैट अकाउंट है, इन चारों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर के आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करें, और गाइस हमारे अभी 95,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी करवाने में हेल्प करें। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।